हेलो एवरीवन, अपन स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब एक पार्टनरशिप फर्म को क्लोज़ किया जाता है, जब पार्टनरशिप फर्म का वाइंड अप होता है, जब एक पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को क्लोज़ किया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इस चैप्टर में अपन ये पढ़ेंगे कि जब एक पार्टनरशिप फर्म को क्लोज़ किया जाता है, जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को क्लोज़ किया जाता है, तो एक पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को किस तरीके से क्लोज़ किया जाता है, उसकी उसकी कैसे अकाउंटिंग होती है, पार्टनरशिप फर्म की बुक्स और अकाउंट्स को कैसे क्लोज़ हम करते हैं, कैसे उसकी अकाउंटिंग होती है, वो सब चीज़ें अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डेट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखो, डिसोल्यूशन चार तरीके से होते हैं। सबसे पहले है अकाउंटिंग फॉर सिंपल डिसोल्यूशन, मतलब कि कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, बस पार्टनर्स ने म्यूचुअली आपस में डिसाइड करा कि हमने आपस में बहुत बिजनेस कर लिया, अब हम इस बिजनेस को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर सिंपल डिसोल्यूशन। कि जहाँ पे कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हो रहा, बस पार्टनर्स ने आपस में म्यूचुअली डिसाइड करके अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या करा, क्लोज कर दिया। सेकेंड होता है कि जितने भी पार्टनर हैं उनमें से कोई भी एक पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई से भी एक या दो पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे होती है डिसोल्यूशन की। तो ये सेकंड टाइप का डिसोल्यूशन होता है जहाँ पे जितने भी पार्टनर हैं उनमें से कोई एक या दो पार्टनर, बस सारे नहीं, केवल एक या दो पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस केस में जब पार्टनर उस केस में भी क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। तो ये सेकंड टाइप का डिसोल्यूशन है। थर्ड होता है कि जितने भी पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, जितने भी पार्टनर हैं वो सारे के सारे पार्टनर क्या हो जाएं, इंसॉल्वेंट हो जाएं, तो उस कंडीशन में भी आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। इसको अपन बोलते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म। और थर्ड होता है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अपन डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करना है, और धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, अपने असेट्स को सेल करते जाते हैं, उनसे जो अमाउंट रियलाइज होता है उससे धीरे धीरे पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज का पेमेंट करते जाते हैं, और एक ग्रेजुअल टाइम के बाद आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। अब अभी अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिंपल डिसोल्यूशन, जहाँ पे कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, ठीक है ना, और पार्टनरशिप फर्म ने डिसाइड करा, जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने आपस में डिसाइड करा कि अब आपस में काम नहीं करना, अब हमें म्यूचुअली आपस में एक दूसरे के हेल्प से हम इस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है, तो वो अपन यहाँ पे अब पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर सिंपल डिसोल्यूशन और जनरल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पे पार्टनर्स ने आपस में म्यूचुअली डिसाइड करके पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करने का डिसाइड करा, राइट। देखो, अब जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे तीन अकाउंट ओपन होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका लेजर अकाउंट, डेट इज रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है, ये एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, तो उस समय अपन ये रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। ये क्यों बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट? ये रियलाइजेशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हमने जो अपने असेट्स सेल करे, और असेट्स को सेल करने हमने करके हमने जो लाइबिलिटीज का पेमेंट किया, तो इन असेट्स को सेल करने से और लाइबिलिटीज को रिपेमेंट करने से हमें हमें हमारे बिजनेस में कितना गेन हुआ या कितना लॉस हुआ, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। ये जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, आपके नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। और ये क्यों बनाते हैं कि जो असेट्स हम सेल कर रहे हैं, जो लाइबिलिटीज हम रीपे कर रहे हैं, तो इन असेट्स को सेल करने से और लाइबिलिटीज को रीपे करने से हमें हमारे बिजनेस में कितना गेन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसको पता लगाने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, बनाया जाता है। दूसरा अपन बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एकदम वैसे ही बनेगा जैसे अभी आपने बनाए बाकी चैप्टर्स में। और एक अकाउंट अपन ओपन करेंगे, डेट इज़ कैश एंड बैंक अकाउंट। देखो कैसे करते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होता है। जैसे आपके सामने ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की असेट साइड है, इसमें फिक्स असेट्स दे रखे हैं, असेट साइड में इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट्स हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लसेस दे रखे हैं, कुछ लोन है, करंट लाइबिलिटीज हैं और प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले अपन एक तो बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, फिर एक बनाएंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सपोज करो दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, और एक अपन बनाएंगे कैश एंड बैंक अकाउंट, राइट। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो बैलेंस शीट में जितने भी असेट और लाइबिलिटीज आपको दिख रहे हैं अभी, इन सारे असेट और लाइबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करना है आपको, इन सारे असेट और लाइबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करना है। देखो बेसिकली हमारा मोटिव क्या है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, तो हमें पार्टनरशिप फर्म की जो बुक्स और अकाउंट्स हैं इनको क्लोज करना है, राइट।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी बैलेंस शीट में जितने भी आपको असेट और लाइबिलिटीज अकाउंट ओपन दिख रहे हैं, इन सारे असेट और लाइबिलिटीज अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले अपन असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। ऐसे असेट में आपको फिक्स असेट दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, करंट असेट दिख रहा है। तो जितने भी आपके फिक्स असेट हैं, जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट हैं, जितने भी करंट असेट्स हैं, इन सारे असेट्स अकाउंट को क्लोज करेंगे और इन असेट्स अकाउंट के जो भी बैलेंसेज होंगे उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट पे, एंड बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू बैलेंस शीट में आपको दिख रही है उसी वैल्यू पे ये बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब ये आपके असेट्स हैं, असेट हैं तो यानी इनके डेबिट बैलेंस होंगे, तो इनको क्लोज करने के लिए इनको क्या करेंगे, अपन क्रेडिट करेंगे। तो और डेबिट किसको करेंगे, इनके बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डेबिट करेंगे अपन रियलाइजेशन अकाउंट को। तो ये जो फिक्स असेट है, इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट है, करंट असेट्स में केवल कैश और बैंक को छोड़कर बाकी जितने भी आपके करंट असेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, फिक्स असेट हैं, इन सबको अपन बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट एंड टू करंट असेट। ठीक है ना, कि इनको फिक्स असेट, ये असेट्स अकाउंट क्रेडिट किए हुए क्योंकि असेट्स के डेबिट बैलेंस हैं, इन सारे असेट्स अकाउंट को अपन को क्लोज करना है, तो इनको क्लोज करने के लिए अपन ने क्या करा, इनको क्रेडिट कर दिया और ये सारे असेट्स आपके बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू का ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। जितने भी फिक्स असेट है, इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट, करंट असेट्स में किसको छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़कर। तो इस एंट्री में अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, तो इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू फिक्स असेट, जितने भी फिक्स असेट हैं वो सब बुक वैल्यू पे आ जाएंगे, यानी जो बैलेंस शीट पे के अंदर जो वैल्यू उसी पे यहाँ पे अपन इसको डेबिट कर देंगे, टू इन्वेस्टमेंट और टू करंट असेट। अब करंट असेट में मैंने किसको छुड़वाया था, कैश और बैंक को, तो ये आपने जो कैश और बैंक अकाउंट बनाया है इसकी डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपका कैश और बैंक बैलेंस है वो, राइट। अब बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको दिख रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये भी एक काइंड ऑफ लॉस होता है, तो इसको अपन क्या करेंगे, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस लॉस को उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस इनका डेबिट बैलेंस होगा, तो उसको भी क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और ये लॉस क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जितने भी पार्टनर हैं सब में उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। क्या जर्नल एंट्री पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसी बैलेंस शीट की असेट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में पीएनएल मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ये आपका नेट लॉस है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जितने भी पार्टनर हैं सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में। तो आपकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करा है, डेबिट करा है, किससे डेबिट करा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्स और वाई, राइट। अब क्या हुआ, ये तीन एंट्री पास करने से जितने भी असेट साइड में, बैलेंस शीट की असेट साइड में जितने भी आपके अकाउंट थे वो सब क्लोज हो गए एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, राइट। अब अपन लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं लाइबिलिटी साइड में, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसको कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व्स या सरप्लस दे रखा है, कोई फंड दे रखा है, तो कोई भी अगर रिजर्व्स अगर आपको दे रखे हैं तो उसको क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में। कैंट्री होगी रिजर्व से इनके क्रेडिट बैलेंस हैं, खत्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, और किसको देने, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स को देने तो उनके कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। कैंट्री पास हो जाएगी रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस एंट्री में आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, किससे, रिजर्व एंड सरप्लस से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। अब आपका लोन है, करंट लाइबिलिटीज हैं और प्रोविजंस हैं, तो जितने भी आपके लोन हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं और प्रोविजंस हैं, इन सारी लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू
हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, करंट लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर। बाकी जितने भी लोन हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं, प्रोविजंस हैं, ये सारे अकाउंट आपको क्लोज करने हैं, तो इनको क्लोज करने के लिए इनकी इन लाइबिलिटीज के जो भी बैलेंसेज हैं वो बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू आपको दिख रही है वो बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये सब लाइबिलिटीज इनके क्रेडिट बैलेंस हैं, तो इनको क्लोज करने के लिए इनको क्या करना होगा, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी लोन अकाउंट डेबिट, करंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय लोन अकाउंट, बाय करंट लाइबिलिटीज और बाय प्रोविजन। और जो करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको आप बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे, उसको अपन क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और अल्टरनेटिवली वो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में भी क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। अब क्या होगा, क्वेश्चन में नीचे आपको बता रखा होगा कि हमने इस असेट को इतने में सेल करा, इसको इतनी बुक वैल्यू ज़्यादा पे सेल करा, इतनी बुक वैल्यू कम पर सेल करा। क्वेश्चन में नीचे बता रखा होगा कि किस असेट को कितने रुपए में आपने सेल करा है। तो असेट को सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो क्या एंट्री पास होगी। अब देखो क्या है, सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, अब आपके सामने केवल तीन अकाउंट हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैंक। तो जो भी अब अकाउंटिंग करनी केवल इन तीन अकाउंट से ही करनी है आपको, राइट। तो मैंने बताया कि क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है कि हमने इस असेट को इतने में सेल करा, इतनी बुक वैल्यू से इतने ज़्यादा पे सेल करा या इतने कम पर सेल करा। तो असेट को सेल करने की अब एंट्री क्या पास होगी, पैसा आ रहा है तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। तो एंट्री पास हो जाएगी बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस एंट्री में अपने बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट असेट सोल्ड, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट असेट सोल्ड। अब क्वेश्चन में नीचे बता रखा होगा कि इस असेट को इस पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, जो असेट है वो कौन टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। तो अगर कोई असेट पार्टनर टेक ओवर करके ले जाता है तो एंट्री के पास होगी, जो असेट पार्टनर टेक ओवर कर रहा है उसका पैसा हम पार्टनर से लेंगे, कैसे लेंगे, उनकी कैपिटल में से निकाल लेंगे, जिससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो अगर कोई असेट पार्टनर अगर टेक ओवर कर रहा है तो जिस भी वैल्यू पे पार्टनर असेट को टेक ओवर कर रहा है उस वैल्यू से एंट्री पास हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू रियलाइजेशन असेट टेकन, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है इस एंट्री में, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट असेट टेकन, राइट। अब क्या होगा, क्वेश्चन में बता रखा होगा नीचे कि हमारी कोई लाइबिलिटी है जिसका सेटलमेंट हम कैसे कर रहे हैं, अपना कोई असेट देके हम उसका सेटलमेंट कर रहे हैं। कोई लाइबिलिटी हमारे कोई क्रेडिटर्स हैं उसको हम अपना कोई असेट देके उस क्रेडिटर का क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं। तो इस सेटलमेंट की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर कोई असेट दिया जा रहा है किसी लाइबिलिटी के सेटलमेंट में, अगर कोई हम असेट दे रहे हैं तो उस सेटलमेंट की कोई एंट्री पास नहीं होगी, राइट। अब उसके बाद भी आप क्या करेंगे, अपने सारे एडजस्टमेंट पढ़ लिए, अब कोई अगर आपका टेंजेबल असेट है, आपको पता है असेट दो होते हैं, टेंजेबल और इनटेंजेबल, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टेंजेबल असेट्स की बात कर रहा हूँ। अगर किसी टेंजेबल असेट के लिए क्वेश्चन में कुछ बता नहीं रखा, नीचे एडजस्टमेंट में बता नहीं रखा कि भैया ये कितने रुपए में सेल हुआ या इसको कोई पार्टनर टेक ओवर करके लेके गया क्या, तो अगर किसी टेंजेबल असेट के लिए कुछ नहीं बोल रहा कि उसको कितने रुपए में वो सेल हुआ या कोई पार्टनर उसको लेके गया नहीं लेके गया, तो आप उसको बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू क्या करोगे, सेल कर दोगे, एंट्री हो जाएगी बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बट ये काम हमें इनटेंजिबल असेट्स के साथ नहीं करना है। इनटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, इनके लिए नहीं करना है। ये केवल किसके लिए रूल अप्लाई होगा, टेंजिबल असेट्स के लिए। या अगर कोई टेंजिबल असेट है उसके नीचे कोई एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बता रखा उसके बारे में कि वो कितने रुपए में सेल हो रहा है, और ना तो ये बता रखा है कि भैया उसको कोई पार्टनर लेके गया नहीं लेके गया, तो उस कंडीशन में जो भी उसकी टेंजेबल असेट की बुक वैल्यू है उसी प्राइस पर उसको सेल कर देंगे, एंट्री हो जाएगी बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो ये तो बात होगी असेट्स की। अब अपन लाइबिलिटीज की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में बता रखा होगा कि इस लाइबिलिटी को हमने इतने में सेल करा, हमने इस लाइबिलिटी को इतने में सेल करा, ठीक है ना, इस लाइबिलिटी का बुक वैल्यू से इतना ज़्यादा पेमेंट हुआ, इस लाइबिलिटी का बुक वैल्यू से इतना कम पेमेंट हुआ। तो लाइबिलिटी का पेमेंट करने की एंट्री क्या पास होगी, लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो इससे आपका कैश और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा,
तो कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट किसको कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। क्या एंट्री पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट लाइबिलिटीज पेड, और बैंक और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है तो कैश और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज पेड। अब ऐसे क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा होगा कि कोई लाइबिलिटी है जिसके जो पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर लाइबिलिटी को रीपे कर रहा है, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री पास हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी टेकन, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटी टेकन। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई लाइबिलिटी है उसका सेटलमेंट अगर कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, कोई असेट देके अगर उस किसी लाइबिलिटी का सेटलमेंट किया जा रहा है तो ऐसे सेटलमेंट की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, इस सेटलमेंट की हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। अब उसके बाद अपन चेक करेंगे भैया हमारी क्या सारी लाइबिलिटीज़ का रीपेमेंट हो गया क्या। अब ऐसी कोई लाइबिलिटी है जिसका नीचे पता नहीं रखा, कोई लाइबिलिटी रह गई जिसका नीचे पता नहीं रखा इसको कितने रुपये पे करें, और ना ये बता रखा है भैया इसको कोई पार्टनर लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा। तो अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह रहा तो आप उसको क्या करेंगे, बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू आप उसका रीपेमेंट कर देंगे। अगर किसी लाइबिलिटी का के बारे में क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में नहीं बता रखा कि इस लाइबिलिटी को कितना अमाउंट हमने पे करा है, तो उसका बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू आप क्या करोगे, रीपेमेंट कर दोगे, एंट्री पास हो जाएगी पेमेंट करने की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट, राइट। अब क्या होता है, अपन जब डिसोल्यूशन करते हैं तो कुछ खर्चे होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिसको अपन बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो अपन अब पढ़ रहे हैं कि ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस होंगे, मतलब डिसोल्यूशन के समय जो भी खर्चा होगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस, इनको पे करने की क्या ट्रीटमेंट होगा, इसको पे करने की क्या एंट्रीज पास होंगी। तो उसमें दो चार कंडीशंस बनती हैं। जैसे पहली कंडीशन है कि भैया ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है ये कौन बियर कर रहा है, इट इज़ बियर और बॉन्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म ही खर्चा बियर करेगी, लेकिन अभी इसको और इसको पे भी कौन कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म ही इसको पे कर रही है। और साइलेंस में भी हम यही मानेंगे, अगर क्वेश्चन में सिंपल दे रखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 10,000, क्वेश्चन में पता नहीं रखा भैया कौन बियर करेगा, तो कौन बियर कर सकता है, या तो पार्टनरशिप फर्म बियर करेगी या पार्टनर्स बियर करेंगे, तो साइलेंस के केस में आप क्या मानेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस इज बियर ऑब्लिक बॉन्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म, और पे भी किसने करें, पार्टनरशिप फर्म ने ही पे करें, साइलेंस में यही मानेंगे। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने की एंट्री क्या होगी, हमारा एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो। सेकेंड कंडीशन बनती है कि ये जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस है ये कौन बियर कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म बियर कर रही है, इट इज बियर ऑब्लिक बॉन्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म, लेकिन अभी एट प्रेजेंट पार्टनर ने इसको पे कर दिया, इस खर्चे को किसने पे करा, पार्टनर ने पे करा, तो खर्चा कौन बियर कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म बियर कर रही है। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म बियर करेगी रियलाइजेशन एक्सपेंस तो रियलाइजेशन अकाउंट तो होगा डेबिट, और अभी किसने पे करा है, पार्टनर ने पे करा है, तो हमें ये पैसा पार्टनर को देना है, कैसे देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे वो अमाउंट, तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती तो करते हैं क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन को डेबिट किया है तो रियलाइजेशन की डेबिट में लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो। थर्ड कंडीशन बनती है कि भैया ये जो खर्चा है कौन बियर या बॉन्ड कर रहा है, इट इज बियर ऑब्लिक बॉन्ड बाय द पार्टनर, कि पार्टनर बियर करेगा ये खर्चा, लेकिन अभी एट प्रेजेंट इसको पे किसने करा है, एट प्रेजेंट इसको पे करा है पार्टनरशिप फर्म ने, एट प्रेजेंट इसको किसने पे करा है, पार्टनरशिप फर्म ने पे करा है, तो अब एंट्री क्या होगी, कौन बियर कर रहा है, इट इज बियर बाय द पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और अभी पे किस कौन कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है, और हम ये सारी अकाउंटिंग किसकी बुक्स में कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में, तो पैसा जा रहा है पार्टनरशिप फर्म ने पे करा है, तो पार्टनरशिप फर्म का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट कर देंगे क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट रिलेशन एक्सपेंस, और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। फोर्थ कंडीशन बनती है कि भैया ये खर्चा कौन बियर कर रहा है, पार्टनर बियर कर रहा है, और पे भी किसने करा, पार्टनर ने पे करा, तो खर्चा पार्टनर ही बियर कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म बियर कर रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और अगर पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस इज बियर बाय द पार्टनर, तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और अगर फर्म ने पे करा है, पार्टनरशिप फर्म ने पे करा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और इट इज पेड बाय द पार्टनर, तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। समझ आई बात? अब क्या होता है, कई बार किसी पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि भैया इन सारे असेट्स को आपको सेल करना है, और असेट्स को सेल करके आपको इन लाइबिलिटीज का रीपेमेंट करना है। किसी पार्टनर को अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, और हम उसको कहते हैं कि इसके बदले में हम आपको क्या करेंगे, जो भी असेट आप सेल करोगे, तो जो भी असेट सेल करोगे उस पर आपको एक सर्टेन परसेंट क्या करेंगे, कमीशन पे करेंगे। तो अगर आपने किसी पार्टनर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कोई असेट्स को, इन पार्ट असेट्स को सेल करने की, और उसके बदले में अगर आप उसको कोई कमीशन दे रहे हैं, तो क्या एंट्री पास होगी, एंट्री पास हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट खर्चा होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कमीशन किसको देना है, पार्टनर को, तो रियलाइजेशन की डेबिट में आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आई यहां तक की बात? अब अपन क्या करेंगे, इस रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। अगर इस रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो क्रेडिट बैलेंस और रियलाइजेशन क्या कहलाता है, गेन ऑन रियलाइजेशन। क्या कहलाता है, गेन ऑन रियलाइजेशन। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ रहा है, गेन आ रहा है रियलाइजेशन पे, हम इसको सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनका जो भी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो होगा उसमें। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई में बट गए, जो भी इनका पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। क्या एंट्री पास होगी इस प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन की, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन की डेबिट में तो लिख ही दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट गेन है रियलाइजेशन पे। अब अगर इस रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा हो, डेबिट बैलेंस आ रहा मतलब इस रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो डेबिट बैलेंस जो होता है रियलाइजेशन का, वो क्या कहलाएगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो इस लॉस को भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी इनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है उसमें। तो ये लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। तो क्या एंट्री पास होगी, एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन लॉस। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब अपन इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। अगर आपके जैसे एक्स ओ वाई दो पार्टनर हैं, अब सपोज करो एक्स का जो है पार्टनर एक्स, इसके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो जो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब ये जो भी क्रेडिट बैलेंस है ये फाइनल पेमेंट करना है हमें पार्टनर को। तो जैसे एक्स का क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, जो भी ये क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर, फाइनल पेमेंट की, ये फाइनल पेमेंट करना है अपन को किसको, पार्टनर को। तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर आया है क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फाइनल पेमेंट। और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो मतलब वो पैसा हमें पार्टनर से मंगवाना है, फाइनली ये अमाउंट हमें पार्टनर से मंगवाना है, तो आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट फाइनल रिसिप्ट बैलेंसिंग फिगर। तो पार्टनर से अमाउंट रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फाइनल रिसिप्ट। और अगर आपने सारी अकाउंटिंग सही करी है, तो जितना भी कैश आपके पास आया था उतना पेमेंट कर दिया, तो ये कैश और बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है डेबिट और क्रेडिट साइड, वो क्या होगा, इक्वल आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं किसके, डिसोल्यूशन के। होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।